आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड डैश डैश व्हिच कंटेन अ डैश डैश। तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसका अपर एंड जो होता है कप शेप का, उसे हम क्या बोलेंगे और उसमें क्या प्रेजेंट होता है। देखिए, नेफ्रॉन की हम पहले बात करेंगे, तो नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो मेन काम है वो है एक्सक्रीशन, मतलब रिमूव करना जो वेस्ट, ब्लड में जो भी वेस्ट है लाइक यूरिया और अदर वेस्ट, वो पूरी तरह से रिमूव करना, इसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, और उसे बॉडी के बाहर फेंक देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हर एक नेफ्रॉन में कप शेप का, देखिए ये स्ट्रक्चर है कप शेप का, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो ये है स्ट्रक्चर बाउमेन्स कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल एंड इफेरेंट आर्टेरियोल, ये जो ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे ये क्लस्टर बन जाता है और वापस ये चले जाते हैं अंदर आके, तो यहाँ पे एक्चुअली फिल्ट्रेशन का काम होता है इस बाउमेन्स कैप्सूल में, और इस ब्लड वेसल के क्लस्टर को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड एज अ बाउमेन्स कैप्सूल। और सेकेंड जो आंसर आएगा हमारा वो होगा ग्लोमेरुलस विच कंटेन्स ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो आएगा वो होगा हमारा सही आंसर, बाकी बाउमेन्स कैप्सूल एम्प्यूला ये होगा गलत, कैपिलरीज बाउमेन्स कैप्सूल ये भी है गलत, एम्प्यूला एंड ग्लोमेरुलस ये भी है गलत। सही आंसर है फर्स्ट बाउमेन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।